हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए पौष मास में पड़ने वाली एकादशी के बारे में जानकारी लेकर के आई हूँ। इस एकादशी को व्रत कैसे करना है, इसका महत्व क्या है, इसकी विधि क्या है और इसका पूजन कैसे करें और साथ में कथा। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि की पूजा कैसे करनी है, इस एकादशी को कौन सी एकादशी कहते हैं और इस एकादशी को करने से हमें किस पुण्य की प्राप्ति होती है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पड़ रही है 21 जनवरी को। इससे पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। अगर आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है, आपके विवाह को काफी समय हो चुका है और आपका आपके कोई संतान नहीं हो पा रही है, तब आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। ये व्रत इसीलिए रखा जाता है। और अगर आप संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रख रहे हैं तो जोड़े में आपको रखना अनिवार्य है। आप साथ में रहकर ही इस व्रत को धारण करें और भगवान विष्णु का पूजन करें। इसके लिए आपको संतान प्राप्ति श्रोत भी आता है, उसका भी पाठ आप कर सकते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। तो आप इस व्रत को कैसे कर सकते हैं, पहले इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दशमी तिथि को शाम को ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना है और सात्विक भोजन धारण करना है। सात्विक भोजन में जैसे कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए और मांस मदिरा का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से दसवीं तिथि से ही इस व्रत का काम शुरू हो जाता है, यानी कि इस व्रत की विधि शुरू हो जाती है। और सुबह एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहा धो करके फिर पूजा पाठ करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। घर को स्वच्छ करना चाहिए, मंदिर को भी अपने स्वच्छ करें। अगर आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति है तो मूर्ति को गंगा जल डाल करके स्वच्छ करना है, और अगर आपके पास उनकी तस्वीर है तो भी उनको अच्छी तरह से साफ कर लें। फिर इसके बाद में एक चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। पीला कपड़ा अगर नहीं है तो आप लाल कपड़ा भी बिछा सकते हैं। फिर भगवान विष्णु की मूर्ति को रख करके उनपे पीले वस्त्र को धारण कराएं, यानी कि आप पीला रुमाल भी ले सकते हो, कोई भी पीली चीज हो, जो अगर आपके पास पीली नहीं है तो आप लाल भी ले सकते हो और उसको ओढ़ाना है। और भगवान विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी की पूजा करना अनिवार्य माना जाता है। अगर आप भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं तो फिर लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है, यानी कि उनके साथ में माता लक्ष्मी की पूजा करना अनिवार्य है। तो आप माता लक्ष्मी को भी विराजित करें। फिर इसके बाद में विधिवत पूजा प्रारंभ करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं, पीला अक्षत चढ़ाएं और जो भी आपके पास धूप दीप है उसको जलाएं। हो सके तो घी का दीपक ही प्रज्वलित करें। अगर नहीं है तो आप तिल के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर घी आपके पास है तो आप घी का ही दीपक जलाएं। और आपके पास जो भी फल है, मिठाई है, वो आप भगवान विष्णु को समर्पित कर दें। फिर इसके बाद में आप कथा का श्रवण करें, जो पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा है, क्योंकि बिना कथा सुने इस एकादशी को पूर्ण नहीं माना जाता है। यानी कि आप कोई भी एकादशी का व्रत करते हैं, आपको कथा पढ़ना अनिवार्य माना जाता है। तो आप कथा जरूर पढ़ें, इसके बाद में भगवान विष्णु की आरती करें और पूजा करने के बाद में फिर प्रसाद का वितरण अपने परिवार में करें, या फिर जो आपकी कथा का कोई सुनने के लिए बैठा है तो उसको भी प्रसाद को वितरण करें। फिर इसके बाद में स्वयं को भी ग्रहण कराएं प्रसाद को, फिर पूजा स्थल से आप उठ सकते हैं। इस तरह से आपको पूजा करनी है। पौष पुत्रदा एकादशी को इस बार कुछ खास संयोग बन रहा है। इस दिन पूरे दिन ब्रह्म योग का मुहूर्त रहेगा। आप इस दिन दान धर्म भी कर सकते हैं और पितरों के लिए भी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व। पौष पुत्रदा एकादशी, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि पुत्र को प्रदान करने वाली एकादशी। साल में पुत्रदा एकादशी दो बार आती है, पहली श्रावण मास में और दूसरी जो एकादशी होती है वो पौष मास में आती है। इस एकादशी का व्रत दाम्पत्य के लिए खास माना जाता है। जो अभी तक संतान सुख से वंचित है, इस एकादशी का व्रत करने से उनकी खाली झोली भर जाती है। जो भक्त पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं उनको ईश्वर का। आइए सुनते हैं कथा। कथा सुनने के लिए हमें चलना पड़ेगा श्री युधिष्ठिर जी के द्वार। एक बार युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, आपने हमें सभी एकादशियों का ज्ञान तो कराया,
लेकिन पौष मास में पड़ने वाली एकादशी के बारे में नहीं बताया। कृपया कर हमें पौष मास के एकादशी की विधि महत्व और कथा बताइए। यह सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे वत्स, अगर तुम कथा सुनना चाहते हो तो सुनो कथा। भगवती नगरी में धूम्रकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी पत्नी अत्यंत दुखी रहती थी, जिसका नाम सवैया था। राजा भी अत्यंत दुखी हुआ करता था और पिंडदान के समय उसके पितर भी पिंडदान के समय अत्यंत दुखी हुआ करते थे कि पिंडदान करने वाला आगे हमारे वंश में कोई भी नहीं रहेगा। इस वजह से राजा अत्यंत दुखी और परेशान रहता था। उसके राज्य के जो सदस्य थे वो भी बहुत ही परेशान होते थे। उसको लगता था कि इतने सारे धन, हाथी, घोड़े और राज्य का मैं आगे चलकर क्या करूंगा, जब उसे देखने वाला ही कोई नहीं होगा और हमारे पितरों को पिंडदान करने वाला भी कोई नहीं होगा। यह सोच सोच कर वह अत्यंत दुखी रहा करता था और वह हमेशा यह प्रयत्न करता था कि किस तरह से उसे संतान की प्राप्ति हो। इस चिंता में वे अत्यंत व्यथित रहा करते थे। और एक दिन वह सोचते सोचते वन की ओर विचरण कर रहे थे। वन में उन्होंने देखा कि वन विहार करते समय कि कितनी सुंदर दृश्य है वहाँ पर। जो वन का दृश्य है वो कितना मोहक है। सारे वन के जो पक्षी हैं, जो प्राणी हैं, वो बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सब एक साथ रह रहे हैं। यह घूमते घूमते उसे एक बार जल पीने की इच्छा जागृत हुई और वह जलाशय के सामने गया। वहाँ भी जाकर देखता है कि बत्तख के दो जोड़े अपने बच्चों के साथ में घूम रहे हैं। मगरमच्छ उसमें विचरण कर रहे हैं। यह देखकर वह अत्यंत व्यथित और दुखी होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह संतान प्राप्ति के लिए क्या करे। लेकिन यह सोच ही रहा था कि तभी उस जलाशय के सामने कुछ ऋषि मुनि आते हैं वहाँ पर स्नान करने के लिए। वह उनसे पूछने लगता है कि आप इस वन में क्यों विचरण कर रहे हैं और यहाँ जलाशय के सामने क्यों आए हैं। तब ऋषियों ने उसे कहा कि मैं पुत्रदा एकादशी के बारे में यहाँ पर स्नान करने के लिए आया हूँ। कल पुत्रदा एकादशी है और हम लोग एकादशी का व्रत धारण करेंगे, इसलिए इस जलाशय के समक्ष हम लोग आए हैं। तो राजा ने पूछा कि इस एकादशी में क्या होता है। ऋषियों ने राजा को बताया कि इस एकादशी को धारण करने से संतान की प्राप्ति होती है। जो निसंतान दाम्पत्य होते हैं उन्हें इस एकादशी को धारण करने से संतान की प्राप्ति होती है। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने ऋषि मुनियों से उस व्रत के विधान के बारे में पूछा कि आखिर यह व्रत किस प्रकार धारण किया जाता है। ऋषियों ने राजा को उस व्रत को धारण करने की विधि बताई। अब राजा अपने नगर को वापस लौट आया और सभी नगरवासियों को एकादशी व्रत करने के लिए कहा और स्वयं भी एकादशी का व्रत धारण किया। जिस तरह से ऋषियों ने बताया था उस तरह से विधिवत भगवान विष्णु का पूजन किया और फिर इसके रात को जागरण किया, भगवान विष्णु की आराधना की, गीत किया, सभी लोग कथा कहने लगे और गीत गान करने लगे, भगवान विष्णु की स्तुति गाने लगे। इस तरह से एकादशी का व्रत संपूर्ण हुआ। फिर दूसरे दिन उसने एकादशी का पारण किया। पारण करने के बाद में उसे संतान की प्राप्ति हुई। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उसका वह पुत्र अत्यंत तेजस्वी था। यह देखकर राजा रानी अत्यंत प्रसन्न हुए और समस्त एकादशियों को धारण करने के बारे में वो सोचने लगे और हमेशा हर एकादशी का व्रत करने लगे। इस तरह से एकादशी का व्रत करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। सभी एकादशियों का पालन करने के कारण राजा को सभी सुखों की प्राप्ति हुई और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु की शरण में गए। इस तरह से जो भी एकादशी का पालन करता है, व्रत धारण करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। फिर श्री कृष्ण बोले, राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। सो तुम पुत्र की प्राप्ति के लिए इस एकादशी का व्रत धारण करो और अपने वंशजों को तारने के लिए भी इस एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। सो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, आपको महत्व कैसा लगा जरूर बताइएगा और साथ में मैं आपको एक उपाय भी बताती हूँ, वो भी कीजिएगा।
अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं और पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं तो फिर आप संतान गोपाल स्रोत का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करें, जैसे कि इस तरह की अच्छी जानकारी उनको भी प्राप्त हो सके और वो भी इसका लाभ उठा सके।